अगर देना है ना वचन बाबा फकीरा, ये आप क्या मांगे बाबा फकीरा? मैंने तो सोचा कि आप सोने चांदी हीरे जवाहरात मांगेंगे बाबा, लेकिन बाबा फकीरा ये आप क्या मांगे बाबा फकीरा, क्या मांगे? तो हरियो दिमागवा में कुछ राजन हरियो दिमागवा में बुद्धि को भसुरे है गली मत के सोना चांदी ना मांगना है, जब ये ना मांगना हाँ जब ये देता भी है ना दूसर बनवा ना दे राजा सत्य भवन दिनेश, अगर नहीं दान देना है तो फिर मृत लोक से उस लोक में की उठी झूला भिजवा दिया तूने, अगर नहीं दान देना हो तो कहो ये बाबा फके दूसरे के दरवाजे सारा ठहरी बाबा फकीरा ठहरी झुका पानीगर मारत हम मिल ली झुका बाबा फकीरा, जब राजा सत्यवान नरेश आपको तीन वचन दे चुका है तो मैं जरूर अपनी तिजोरी की चाबी दूंगा बाबा फकीरा, तो दो राजन फिर देर किस बात की, बार बार शाम तिजोरी की चाबी लाकर एक बाबा फकीरा की झोली में डाल दो। अच्छा थोड़ा तिजोरिया का चाबिया दे दे। हाँ जाओ बाबा ला चाबी ला, मैं तुम्हारे हाथों से डाल नहीं लूंगा। हाँ अरे मतबल ले लाए आज कतीन हम ना हिले थोले हैं। तुम जो भी हो मैं तुम्हारे हाथों से डाल रहा हूँ। अच्छा ये तो बतावा हम के का तुआ सापा समझ ले हम दे थे तो ऊटी है हम दे पैदना हो जाए बाबा, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं लूंगा। सुनो धुआ हमके तो झूठ मूठ कर रखले हुआ कौन लायक हम ना है हमारी को गौरव हो तुम कह तुम भाग पर राजा तो ये तब ले तुम्हारे हाथ द्वारा नहीं दे रहे नहीं हम तो नान खम समझा तुम्हारे बाबा फकीरा ले ला हो बाबा इन इजी की जोड़ी खिंचा भी लाइए राजन हमारे झोली में डाल दीजिए खत हो राजन खत हो बाबा फकीरा मैं तो कह रहा हूं कि आज दो चार दिन तक मेरे राज दरबार ठहरिए राजा सत्यपाल नरेश, एक दान मैं आपसे और लूंगा। हाँ एक दान हो हाँ राजा कोई अली सतर ले हुआ थे वैसे राजा मैं तीन वचन दिया हूँ तीन बार हाँ और कर रहे थे लेकिन बाबा फकीरा और दूसरा दान क्या आप मांग रहे हैं मानिए राजा सत्यपाल नरेश मुझे आपके हाथों से सवा समुद्र का एक दान और चाहिए बाबा फकीरा ये सवा समुद्र का की बात कर रहे हैं आप कोई तो क्यों तो हो लिए को सवा सब कट गई ना तो क्या कोई मुर्गा हो क्यों बाबा कहीं का मुर्गे की बात कर रहे हैं हाँ अरे देखो कहीं का सवा समुद्र का मतलब जो सोने का सिक्का जानते हो ना अच्छा वो सोना वो का सीता वाह हाँ सावा समूह हो तेरे को हाँ सावा सला करके दे दो जी सवाई केवल तुम बातवा दाने होगा ले ले आई जाओ जाए ले ले आई जाओ दरबार ला करके दे दो ठहरो दरबार जब तू जोड़ी की चाबी हमारे झोली में दान कर दिया
तो सलाह से मुक्ति कहाँ से दान दे दे। हाँ हाँ अब बुद्धि काम करो थे तो आज हाँ समझ गया हो तो कहाँ से जवाब जब तिजोरिया का चैंपियन के लिए दे दिले हुए कुछ अब काम करो। अरे हम ना रहो तो कहते के हूँ करे वाला ना घेरा ही काम रहता हो कुछ बुद्धि करो ठीक है। नहीं बाबा ऐसा ना कि हमारे बुद्धि काम करो थिया कोई तो बाबा से मिल जाए तो टाइम लगी तोरी पास नरेगा का जाप का ढो कपा खान से बतिया के आठ घंटा में तीनों घंटा ना माटी फेंक सकेला। बाबा फकीरा अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। बाबा फकीरा नहीं नहीं बाबा सत्यपाल नरेश ये जो साहे तीन हाथ की लंबी शरीर है ये बड़ी काम की चीज है राजन। बाबा फकीरा मेरे शरीर की बात कर रहे हैं हरद ये क्या आप कह रहे हैं। द्वारपाल आओ जरा इधर आओ आओ इधर आओ का हो बाबा इधर आओ सुनो मेरी बात। हाँ बाबा अरे इधर आओ कि डरते क्यों जी तो राजा सत्यपाल का हाँ ये आभूषण और ताज उतारो। क्या अरे क्या बाबा भगीरा ये भी आप प्रेम से बोला के ये उल्टा काम करो तो बाबा राज द्वारपाल का जो मैं कह रहा हूँ सुनो मेरी बात को नहीं तो हमके मुआ दे बाबा नहीं नहीं ऐसी बात हाँ तो का हो बाबा कहला हाँ के तो के कहते नहीं पैसा दे लो तो हम कहूँ कि 150 रुपया तक हो तुम के हम तो कहते तो वो कर ले चला ले कहीं कुल निकाला ऐसा कहीं नहीं हुआ तो हिता ही करवा के कहीं कुल निकालवा है नहीं करते यार हम बाबा की और आदमी हो गई नहीं बाबा है नहीं हवा है नहीं है नहीं यार बाबा माता बाबा रुका आई कुल निकाले क्या ना ओ बाबा का परवा इनके निकाल दे इनके कहीं नमूनिया हो जाए तो इधर आओ जमाना बदल गया इनका होता श्री दलाई तो राजा इलिम आई आई तुम खोलो बा आई तुम तमारी जाने का राजनाथ चले भाई तही राजनाथ पांचे बरिस न चले के फिर बनौले हो रास्ता तैयार चौके ना सब पूछे बेलगांव की या खोलबा की है इन्नी उन्नी करत हो तो इनके पोखवा में तू भाई मारो दे हम तो हरी वर्ष आदमी रहो ना चार बार तो हमें भी मार ले लिया ठीक है जाओ उतार उतारो की हो उतारो काम के मत मारा ठीक है उतारो ना ऐ मौर और मान के चला थके जा थोड़ा पर छावना करा रहे जाओ बाबा फकीरा मैं आप क्या कर दे बाबा फकीरा दरबार मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना लो कथो आयो भैया की अखिया में बवंदर घूर लेके ना रहे ना लो कथो नहीं दादा हम लोग कथ है अरे देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या तुम दिखाई दोगे अखिया में अंगुरियो ना है लथ जो ये क्या हो गया भाई कौन तो जादू की मदारी वाला हुआ हो बाबा हे बाबा हमके मत कुछ करिया हम गरीब आदमी है हमके कुछ मत करिया नहीं तो हमार बेटा बेटी राम हो जाए। इधर आओ इधर आओ सामने बाबा जाओ हाँ और जाकर महल को हाँ रानी शकुंती को उसके बच्चे को लेकर आओ। अच्छा ये इनकी तो पूनानों की लेकर आओ साला ये कौन जमाना है लेकर आओ हो ए महारानी घरवा में खा के भैंस नियर हीरो लो तिलक हरू आई नवा तोरी अदमिया का अखिया ले गई ना बतावा जल्दी अब जल्दी दादा जी जल्दी 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 चला जल्दी जल्दी बाबा लेकवा के लिए तो सुतो लगी हो वही में पानी हो पाठ खाए कहीं बार बार
इसका फिर हमेशा क्यों मुझे धक्का मार रहे हो? काम खत्म। मैं शपथ कर रहा हूँ, महंत की लाली हूँ बाबा, शपथ कर रहा हूँ। ले 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 हुआ बाबा, स्वामी जाए, मैं नंगे बदन देख रही हूँ आपको, मैं नंगे बदन देख रही हूँ रानी सदन पे। एक तुम राशि पोशाक ना पहन कर देख करके तुम रो रही हो, चकित हो रही हो। इतना ही नहीं रानी सदन पे, मेरे दोनों आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा जी, बाबा आप तो भगवान है, ये सब क्या हो रहा है? बाबा हाँ, इस रानी का भी ये वस्त्र उतारो। नहीं ऐसा मैं किसके होकर बोला ला, हमसे ही मत काम करावा। राजमहल का दासी कौन? हम के उनके बोला ला, हम तो शासन ना नहीं के उनके बोला के उतरवा ला चला लिया। अरे वो क्या थी? उसको ले गया रानीपुर का पास। क्या पूरा लिखा दे? है निकलो, ऐसा नुकसान है क्या? एक बल चुनरी पहन के जाना था कि जा थोड़ा वो नहीं है कल। और ये परी है इसे झोटवा बढ़िया रह के वही में 72 को क्लिप खोल से ली, कहीं धोखा जाए तो नसिया में बाबा हो ठंडा मारते भाई बाबा हो। हरी सुन बाबा तू सुन बाबा क्या होगा नहीं कवा के पटक जाओ, यही के पेट मरुआ हो जाए। और ये गोदी के लवाद ये लाजल को हो ले सनला में हो प्रतिभा राजू सतान तो हे बाबा, मैं 5 महीने के बच्चा और अंधे पति को लेकर मैं कहां जाऊंगी? रानी सतोती ये मैं नहीं जानता कि तुम अपने बच्चे को और अंधे पति को लेकर कहां जाओगी। जो जवाब करना है और पूछना है तो अपने पति राजा सत्यपाल से पूछो। नहीं बाबा, मुझे रहने दीजिए, इसी नगर में अपना भेद पुरान कर पालन करूंगी। इन तीनों को धक्का मार कर बाहर करो, बाहर करो, निकलो तुम यहाँ से, नहीं जाएंगे। अरे साले राजा माजा, साले तुम्हारे ऊपर मुकदमा है, केस है साले, हम लोग बुलडोजर से धावाएंगे। निकलो यहाँ से, निकलो तुम लोग। बाबा से द्वारका यही तरह माऊ के रखबा कहीं द्वारका क्या बाबा ना कह पाओ थे तो कह के करवा काम धंधा कर ले बाबा। ठीक है ठीक है, इधर आ ये बाबा क्या है ये भेष होता भूसा में जमा था कि तुम मेरी पूरी कही साफ राम चाहते अपने जबान पर लगाम रखो द्वारका देवता होगा देवता हमारा देवता होगा हमारा देवता और सुनो तेरे राज में ढिठोला कुटवा दे कि राजा सत्यपाल और सत्यवंती को जो अन्न पानी और रहने का छत्र छाया देगा उसके पूरे परिवार को कोहनी में पिलवा दिया जाएगा। सुनो क्या कहो, ये एक बार और बताता हम तेरे भुलाए गए नहीं दादा। हाँ अपने काम में तेल डाल लिया करो जी जी ताकि सुनाई दे। हाँ जी जी अब हो गए जान गए।
पूरे राज में ढिढोरा पिटवा दो। हाँ हाँ, राजा सत्यपाल रानी सतवंती को जो अन्न पानी और रानी का छत्र छाया देगा, उसके पूरे परिवार को कोल्हू में पिरवा दिया जाएगा। कोल्हू में सबके कह के है ना, नगर वासी क्षेत्र वासी दूर दराज के लोगों यहाँ पवन उर सूरज चंदा मंगा तारा मारा ऊत भूत दूत दानवा महिमार को एक बार को पेट मार को जीन जलवा सही है मैया चुराइन मुराइन और बोल और भर एक बार रोनिया रोनिया हर 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 महारा को ठाकुर राजे तंग बनवाया। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि जो हो राजा सत्यपाल नरेश सत्यवंती को अन्न पानी जगत के लिए दे देगा, उसके पूरे परिवार को कोल्हू में जो व्यक्ति इस कामयाबी में ना सफल रहा उसकी काम तो खिंचवा ली जाएगी, उसमें भूसा तक भरवा दिया जाएगा और मरी हुई आत्मा से आने जाने का किराया भी लिया जाएगा। बार बार सरकार आज तो खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी, बहुत खुशी सरकार। बार बार इस राज्य और पार के पाने की खुशी में जी किसी नाचिए गाने वाली को इस तरह। हाँ 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 ये ठीक है। सुनो वो भी सुंदर और सुरीली होनी चाहिए। सुरली है ना, सुरली का मतलब सबसे क्या होता जी? हाँ क्या होता? माने दोनों आँख की सूर रहेगी। दोनों आँख की सूर आकर क्या करेगी? आज के दोनों आदमी को छोड़े सुंदर और सुरीली का मतलब समझते क्या होता है ना? उसका चेहरा सुंदर होना चाहिए, चेहरा चेहरा और उसकी आवाज सुंदर होना चाहिए। अच्छा चेहरा सुंदर आवाज सुंदर की मवाज का व्यवस्था है। जाओ मैं अभी करा रहा हूँ सरकार। बैठिए 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 भाई, अभी हे भाई साहब, 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 हे बूढ़ी, हे बूढ़ी, हे बूढ़ी, हे बूढ़ी। हो बेटा कहाँ से याद आए हो? सुनो नाचने वाली का क्वार्टर किधर पड़ता है रे? बेटा तुम तो बड़े मौके पे आए हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मौका भी आ गया हो तो सुनो, मुझे दो लड़की चाहिए मस्त मस्त। ले जाओ बेटा, हमारी सुनू सुंदरिया दो बेटिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी लड़कियां हैं तो ये बताओ तुम्हारी लड़कियां कई घंटा में जा देंगी? सारी कहकर खींची खींची करोगी कि जल्दी सामान भेजोगी? अरे दो गला हमारी झूली में हाथ डाल दिया, निकालो अभी मैं 100 नंबर डाल करूंगी। मौसरी मौसरी वो बता, सारी 100 नंबर डाल करके क्या करोगी? मैं खुद 200 नंबर हूँ। सारी झूली में हाथ डालना है कि गर्मी हो रही है, मैं चोटी कटवा का पता लगा रहा हूँ। तो ये बताओ दो लड़कियों का कितना पैसा लोगी? बेटा पैसा सुनोगे तो तुम्हारी कमर फट जाएगी। अरे सारी हरामी हो, क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? हम बड़े घर का नौकर क्या कर रहे हैं, कितना लोगी बोल? एक लड़की का बेटा 3500 रुपया ना जो सुन तेल लगा के, यानी कि एक का 3500, दो का 7000। 7000 ऊपर से एक बाकल इंग्लिश का दारू चाहिए मुझे बख्शीश में तेल लगा के। आरामी कहीं का, हम लोग दारूबाज आदमी नहीं है, दारू वारू वहाँ नहीं मिलेगा। तो बियर दे लेना। फिर वही बात, बियर भी नहीं देंगे। जब तुम हरामी नशेड़ी हो तो तुमको ये तलवनी बन जा का तारी दे देंगे। वो भी टांकी में से थोपे थोपे चूरा है तो 4 दिन में काट पसर होगा तो गदुआ सहित भेजवाएंगे। रोको 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 रोको। हाँ ये दो लड़कियां इनको बैठाओ। हाँ बैठाओ बैठाओ। हाँ 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 होते हुए, हाँ हाँ मऊ में हाजीपुरा होते हुए, ठीक 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 गोकुलपुरा होते हुए, हाँ हाँ। अरे साले फतेहपुर हिताई करने जाओगे, यहीं से मुड़ जाना रानीपुर होते हुए आगे ले जाके गड़बड़ चौराहे पे छोड़ना। हाँ गड़बड़ चौराहे पे ले जा, मैं आ रहा हूँ, ले जाओ ले जाओ। अरे भीमा भाई पाथी पाथी मोई थावा
सरकार क्या कहा तुमने जो आप कहे हैं क्या है क्या आई है ना तो जानते हो क्या कहिए कहिए कि महाराज की जय हो हमने उससे कहा कि जय हो नर्तकी जय नर्तकी और क्या नर्तकी दादा जी तुम तीनों को कहां बुला रहे इन दोनों को कहां बुला रहे हो इन सर इन सरकार सभा से आ रहा हूँ अगर वो कुछ लेते हुए नहीं साथ में लिया कर आ रहे हो लेवा क्या रहे हैं कि ले क्या रहे हैं 30 रुपया खर्च अरे खिला क्या हुआ 3-3 रुपये का समोसा और 12-12 रुपये का लमका क्या होता है ठंडा होता है क्या ठंडा है उसका नाम लिमका है दाता जी इन दोनों का नाम क्या है सरकार नाम सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे अरे बता रहे पागल हो जाएंगे इधर उधर इधर आओ तुम्हारा निर्वाचन कार्ड चेक होगा गैस सिलेंडर पास करवाना है अरे बोलो बाबा मना बाबा सरकार मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ सरकार इसका नाम दी सीजे खचाती इसका नाम खचाती है जी और लालू अली का क्या नाम इधर इधर तुम्हारा आधार कार्ड बना है नहीं नहीं बना है तो अभी रानीपुर में आधार कार्ड चेक होगा अरे हो मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ सरकार इसका नाम दी सीजे पिटाती और खचाती को पिटाती तीसरी का खचाती और दूसरी का नाम पिटाती जी जी दरबार जी एक खचाती और पिटाती से कह दो जी के बाबा फकीरा का राज दरबार है जी या कोई ऐसा नगमा पेश करे जी कि खुशी पैदा हो अरे वो खचाती और पिटाती क्या है ये हमारे महाराज का दरबार है अच्छा इस दरबार में तुम लोग ऐसा नगमा पेश करो अच्छा ऐसा नगमा पेश करो कि हम लोग दोनों आदमी जोड़ा पैदा हो जाए तुम्हें बोल के ढकेती हो बाबा तुम अभी पैदा नहीं हो नहीं हम लोग तो लोन पे क्या प्रॉब्लम करते हो जानते हो लोन पे क्या क्या चीज मिलता है क्या गाय भैंस बकरी इंसान लोन पे नहीं आता है अब तुम पैदा हो चुके हो यहाँ खुशी पैदा करना है गड़बड़ मैं पैदा हो चुका हूँ पैदा कर चुका हूँ करने की कोशिश तुम लोग खुशी खुशी खुशी